प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है ये हमारा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये हम जान लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पर क्रॉप की फसल क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी के बारे में पढ़ेंगे और खरीफ के बारे में, कौन कौन से सीज़न में उगते हैं और कौन कौन से चीज़ें उगती हैं और किस सीज़न में ज़्यादा पानी लगता है, किस सीज़न में कम, ये दोनों कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से स्टेजेस यहाँ पे लेने पड़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। और यहाँ पे सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, कौन सा टूल था वहाँ पे, प्लग था, होई था और कल्टीवेटर था। सोइंग में यहाँ पे हम देखेंगे कि बीज को कैसे बोया जाता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे सीड ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यहाँ पे मैन्योर ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे मैन्योर जो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ काउडंग, फर्टिलाइज़र कंपनी में तैयार होता है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। इरीगेशन में पढ़ेंगे, इरीगेशन में क्या होता है, एक ट्रेडिशनल इरीगेशन होता है, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमारा आता था मोट, ढेकली, चैन पंप और राहत, ये पुराने ज़माने में यूज़ किए गए इरीगेशन होते थे। इरीगेशन मतलब होता है खेतों में पानी देना, तो वो किस प्रकार दिए जाते थे वो पढ़ेंगे। मॉडर्न में पढ़ेंगे हम स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन, तो दोनों पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हम वीड्स मतलब जो होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय हैंड निकाल सकते हैं, सिक्कल से निकाल सकते हैं और वीडिसाइड्स से निकाल सकते हैं, जो 2D और MCP आता है। और हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है, जब हम उसे काटते हैं, सिक्कल से काटते हैं और कॉम्बाइन एक मशीन है जहाँ पे सारी चीज़ हो जाती है, विनोइंग थ्रेशिंग। विनोइंग थ्रेशिंग क्या होते हैं, यहाँ पे जब हम वहाँ पे जब हम उसको काट लेते हैं ग्रेन्स को, उसको हमें पीटना होता है, उसमें से ग्रेन्स निकालने पड़ते हैं। ग्रेन में से जो कुछ कूड़ा कबाड़ा होता है वो हम हवा के जरिए हम नीचे डालते हैं, तो हवा से वो उड़ जाते हैं, वो हमारे विनोइंग में आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज, जब हम ग्रेन्स हमारे जब पूरे तरह से तैयार हो जाता है तो हम उसे सुखा के करते हैं स्टोर, क्योंकि अगर हम उसमें मॉइस्चर होगा तो उसमें क्या होते हैं, मॉइस्चर में कीड़े लगने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए उसको स्टोर करते हैं हम सुखा के। तो स्टोरेज में हम पढ़ेंगे सिलोज, सिलोज माने होता है जो बड़े बड़े कंटेनर वेसल्स में होते हैं कंपनीज में, वो होता है। और यहाँ पे बोरीज बैग्स में कर सकते हैं। अब यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो हमें जानवरों से कौन कौन से खाने प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, दही, मीट और अंडे, ये सब हमारे किससे होते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स से। एनिमल्स हस्बेंड्री मतलब हम एनिमल्स का पालन पोषण कैसे करते हैं, उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पदार्थ देते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमारा बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में होता है हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्रॉप रोटेशन है, इसके भी बहुत से एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो बने रहिए आगे, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ।